हर दोस्तों, हम हैं आनंद और आप देख रहे हैं ब्लॉग आनंद। तो आज हम आ चुके हैं नगरी बाजार, जो कि रांची से लगभग यहाँ पे पड़ता है 1500 से 1600 किलोमीटर दूर। आज हम आते हैं यहाँ पे, आ रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने, नगरी मार्केट को। यहाँ पे क्या कुछ है, तो यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का आइटम, जरूरत का हर एक सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, हर मार्केट की तरह इसको भी एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मार्केट में क्या कुछ है। फ्राइडे को लगता है और रविवार को लगता है और मंगलवार को लगता है, तो डेफिनेटली अगर आप मार्केट आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। खुदा से लेके, हसुआ से लेके हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलता है मार्केट में। यहाँ पे भी हसुआ है। भैया कैसे है, हसुआ का प्राइस क्या होता है? हसुआ का प्राइस 110 रुपया। 110 रुपया ये वाला? ये देखो यार, और ये चीज क्या काम में आता है? ओके, तो ये झाड़ी काटने के लिए। बहुत सारा यहाँ पे बढ़नी है, यहाँ पे है टोकरी। तो भैया प्राइस क्या होता है इस सब का? झाड़ू भैया 40 का है, 50 है, 60 है, पीछे 80 का है। तो भैया अंतर क्या है झाड़ू? तो देखिए है कि 40 वाला लीजिएगा थोड़ा सा कम टिकाव चलेगा, 50 वाला उससे बेहतरीन रहता है, 60 वाला उससे और अच्छा, 80 वाला लीजिएगा तो और बेहतर है। ओके, और टोकरी का क्या प्राइस है? टोकरी आपका पड़ जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये का जी। ये देखो यहाँ पे कपड़ा आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे कपड़े लाता भी आपको सारा चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखो आप कैसे है चाचा, खड़ा मुर्गा 400। यहाँ पर देख सकते हो बड़ा बड़ा झोला। तो ये भैया प्राइस क्या होता है बड़ा झोले का? बड़ा झोला 150 का आएगा, 100 का, 150 ये वाला 150 का है। ओके, ये देखो यहाँ ये वाला आएगा आपका 100। ये वाला 100 रुपया। ओके, तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ओपन शॉपिंग मॉल, जहाँ पे हर एक चीज आपको मिलेगा। खाने पीने का आइटम मिलेगा, साग सब्जी मिलेगा, कपड़ा लत्ता मिलेगा, फल फलहार सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये देख रहे हो यहाँ अंकल के पास ये क्या है, तो है झोला। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स का यहाँ पे झोले देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बैग देखने को मिलेंगे, छाते मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मिलेगा भैया के पास फल। तो भैया सेब कैसे है? 80 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हो भैया के पास सेब, बहुत अच्छे सेब यहाँ पे 80 रुपये आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे हमने करेल दिखाया, और करेल का यहाँ पे देखो काटा हुआ है। तो दीदी कैसे दे रहे हैं करेल? 40 रुपये पाव। कलमी साग, ये देखो यार यहाँ कलमी साग। दीदी कैसे है एक मुठा दतवन का? 10 रुपया। 10 रुपये में बहुत सस्ता दे रहे हैं। देख रहे हो यार, 10 रुपये में इतना दतवन दे रहे हैं। और ये देखो कितना सारा। तो दोस्तों फाइव तो आपने देखा ही होगा, लेकिन स्ट्रीट सैलून यहाँ पे देखो, जो कि मार्केट में बनाया जाता है यहाँ पे बाल, और छोटे छोटे बच्चे लोग को यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देख कर कि मार्केट में सारे चीज़ अवेलेबल होते हैं, खाना पीना ज़रूरत का हर एक सामान जो आपको चाहिए मार्केट में मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमारे को दिखा एक आइटम, ये क्या है, और ये है बंसी, जो हम लोग बचपन में मछली फंसाया करते थे। ये देखो यहाँ पे गुलेल देख सकते हो, बहुत सारे डिजाइन का यहाँ पे गुलेल है ना। चलो हाँ बस बस मार। यहाँ पे सूखा झींगा, ये सूखा मछली है, बहुत सारा सूखा मछली है। तो चलिए एक एक करके चाचा से जानते हैं। तो चाचा का नाम हुआ आपका? तो ये कौन कौन सा सूखा मछली आप रखे हैं? पोठी है, चिंगड़ी है, और ओके। तो ये वाला बामी, तो हमको ये वाला लग रहा है, यही वाला है ना? थोड़ा सा एक बार उठाइए ना हाथ में एक गो, ये इसको कैसे बनाया जाता है? गरम पानी में उबाल के। अच्छा, गरम पानी में उबाल के जैसे फिर मसाला में भून देना है इसको। अच्छा अच्छा, ये तो एक ही तो आइए,
तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पे एकदम ताज़ा फ्रेश मछली, यहाँ पे तेलपिया, और ये कौन सा रेहू ना भैया, कैसे के जी दे रहे अभी? 200 रुपये। और ये वाला तेलपिया 160। तो ये देखो, कभी बिच्छू ने काटा, कभी डंक मारा हो, कभी हम आए थे आज मार्केट, नगरी मार्केट, और ये देख सकते हो यहाँ पे ये, और यहाँ आके ना गाइस पता चला हमको कि यहाँ पे मुर्गा उर्गा कुछ नहीं बनता है, बांधता है सिर्फ बांडा वगैरह। तो जिस बर्तन में बनाते तो हम तो वो चीज़ नहीं खाएंगे, तो हम क्या खाएंगे वो वीडियो आप बने रहिएगा और आपको देखने को मिलेगा। नगरी बाजार में गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुमा से साहू चाट का दुकान का नाम है, और यहाँ से हमने चले यहाँ पे कुछ बनवा के खाते, और यहाँ का जो है टेस्ट बताते हैं आप लोगों को कि कैसा ये बनाते हैं। तो ये देख सकते हो छोले को एकदम आराम से मस्त तरीके से पहले फ्राई कर लिया गया, और उसके बाद हमारा फुचका में यहाँ पे डाला जा रहा है, ये देखो। उसके बाद थोड़ा सा नमक यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, और क्या क्या डाल रहे हैं चचा? मसाला डाल रहे हैं। कौन कौन सा मसाला हुआ? मसाला, धनिया, अब क्या क्या? जीरा मरीच, ओके, मिर्चा, थोड़ा सा यहाँ पे मिर्चा डाला गया, और यहाँ पे प्याज डाला गया। वाह, ये देखो यार, मीठा, तो मीठा चटनी यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा मीठा चटनी यहाँ पे डाला गया, खट्टा चटनी, ये इमली का होता है। ओके, बन के रेडी हो गया हमारा, ये देखो यार हमारा बन के हो चुका है फुचका रेडी, सूखा वाला। तो चलिए इसको खा के ट्राई करते हैं और बताते हैं कैसा बना हुआ है। सो हमने लगवा लिया यहाँ पे सूखा वाला फुचका, ये देख सकते हैं बहुत प्यारा लग रहा है, और चलिए इसको टेस्ट करते हैं पहले। अच्छा है में जाने के साथ एकदम वो निकल रहा है। तो नगरी मार्केट में हमने आया और सबसे पहले हमने खाया यहाँ पे सूखा वाला फुचका, जो कि बहुत टेस्टी लगा हमें।